नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। तरह तरह की रेसिपी जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सिंपली कुक को, जिससे कि आने वाले रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी तारो स्टोलेंस, जिसे कि बंगाली में लोती कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं लोती किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार में ही मैरिनेट कर लूँगी, मैंने इसे अलग से किसी बोल में मैरिनेट नहीं किया है। मैं इसे कढ़ाई में ही, जिसमें मैं बनाऊंगी उसी में मैं ही मैरिनेट कर लूंगी। मैंने इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। नमक जो है वो थोड़ा कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत ऐड कर दीजिएगा। और एक चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और करीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर ऐड किया है। चीनी जो है वो देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिठासपन अच्छा लगता है खाने में। लेकिन अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी थोड़ा कम दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दीजिएगा जिससे कि इसमें स्वाद जो है वो अच्छा आ सके। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है और मैंने यहाँ पर करीबन 6-7 लहसुन और 1/2 इंच अदरक मैंने यहाँ पर कूट लिया है। पेस्ट नहीं बनाना है, कूट लेना है। हमने अच्छे से कूट लिया है, कूट के हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कलौंजी ऐड किए हैं और मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जो है ऑयल यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसे हमें फ्राई करेंगे और इसे हमें लो फ्लेम में करना है, जिससे कि ऑयल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है। 5 मिनट के लिए इसे हम इस तरीके से ही ढक लेंगे। ढकने के बाद 5 मिनट बाद मैं इस ढकने को हटा के मैं इसमें चीरा लगाया हुआ मिर्च को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसे हमें फिर से ढक देना है करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ढक्कन निकाल के आप देख लीजिएगा कि ये जो लोती है वो थोड़े सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं और ये फ्राई अच्छे से हुए कि नहीं। देखिए, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने फिर से इसे ढका था करीबन और 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ये 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन खोल के मैं इसे चेक कर रही हूँ और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, यहाँ पर लोती जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। दाल के साथ आप इसे खाइए, चावल के साथ सिर्फ इसको ही खाइए तो बहुत ही अच्छा स्वाद इसका आता है। चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।